संगरिया में बसों की वजह से आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और संगरिया के शहीद भगत सिंह युवा क्लब के ये सदस्यगण यहाँ मेरे साथ हैं। और किस तरीके की परेशानियाँ आपको आ रही हैं? सर जी, बसों के जो बिगड़ते हालात हैं उनको लेकर हम आज SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। देखिए कि एक तो ये निर्धारित समय पर जो बसों का टाइम है उसको बिना बताए मिस कर देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये जैसे कि यात्रियों को बहुत बार दोपहर ये के होता है, टाइम में सवारियों को बड़ी तकलीफ का सामना ज़्यादा कर। तकलीफ होती है क्योंकि सुबह का टाइम आ जाता है, शाम का चला जाता है, दोपहर में ये अपनी मनमर्जी से मिस कर देते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि जो बसों में ना ये सवारियां ठूँ ठूँ कर भरते हैं, जैसे कि बसें के जो गेट हैं उस पर लटकर आती हैं सवारियां, जिसमें स्टूडेंट भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो मैंने कई हालात ऐसे देखे, हमने ऐसे हालात देखे। आज सुबह की बात है तो एक मालारावपुरा से संगरिया बस आ रही थी, उसके पीछे मेरा बाइक था। मैंने उसमें उसमें अपने भाई मोबाइल पर वीडियो बनाया, वो मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा कि बिल्कुल गिरने वाला ही था वो। तो हमने उसको रुकवा के उसको समझाया और ये बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता पढ़ने वाले था, बच्चों के लिए एक खतरे की घंटी है। सब है तो सबके लिए, चाहे पढ़ने वाला है चाहे कोई उस भी टाइम है, ज्यादा उस ओवरलोड होता है, जब जो स्कूल का टाइम स्टूडेंट होता ज़्यादा है होते तो उस हैं टाइम टीचर्स भी जाते हैं और कर्मचारी भी जाते हैं। वो टाइम ऐसा है कि सर काम करने वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। जैसे स्टूडेंट का अब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो उनको जहाँ तो ये टाइम बढ़ाएं, बसों ठीक है, वाले, निजी बस वाले अपना टाइम बढ़ाएं, उसमें ज़्यादा बसें लगवाएं, ज़्यादा टाइम दें ताकि किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, और आज गिरते गिरते हमने उसको बचाया है। ठीक है जी। ये थे शहीद भगत सिंह युवा क्लब के सदस्य और ये यहाँ पे माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। और प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से भी हमारा आग्रह है कि वो इस समस्या के प्रति ध्यान दें। और इस एरिया में खासकर जैसे प्राइवेट बसें चलती हैं तो वो अपने हिसाब से ही चलाते हैं और इन पे DTO वगैरह का भी नियंत्रण कम है और ज़रूरत के हिसाब से टाइम मिस भी करते हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।